दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस के कई नेता टॉप लीडरशिप की लानत मलानत करने में जुट गए हैं। अब दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पूछा कि बीजेपी विभाजनकारी राजनीति कर रही है, केजरीवाल स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं। शर्मिष्ठा यही नहीं रुकी, उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बयान पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि सर, बस मैं इतना जानना चाहती हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी को राज्यों में हराने के लिए क्षेत्रीय दलों को आउटसोर्स कर रही है? अगर नहीं तो आप आम आदमी पार्टी की जीत पर गर्व क्यों कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बंद कर देना चाहिए।